इस भीषण गर्मी में अगर आप सफर में हो और सागर से गुजर रहे हो तो पीने के पानी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर श्री राम सेवा समिति के सेवादार आपको आपकी सीट तक ठंडा पानी पहुँचाएंगे। खातिर रिपोर्ट देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। आप सफर में हो, प्यास लगी हो और पानी दूर दूर तक कहीं उपलब्ध ना हो, ऐसे में अगर आप सागर स्टेशन से गुजरते हैं तो यहाँ पर एक युवाओं की टोली है जो पिछले 25 सालों से लोगों को निस्वार्थ और निशुल्क पानी पिला रही है। चलिए देखते हैं कि कौन है ये लोग जो आज बॉटल में पानी बिक रहा है, पानी की कीमत उसके बावजूद भी ये सालों से लोगों को निस्वार्थ समय भी दे रहे हैं और प्यास भी उनकी बुझा रहे हैं। जी हाँ, श्री राम सेवा समिति 25 साल से सागर रेलवे स्टेशन पर फ्री ठंडा पानी यात्रियों तक पहुँचाने का काम कर रही है। ये सेवा समिति साल के 4 महीने गर्मियों में 24 घंटे लोगों को पानी पिलाने का काम करती है। इस सेवा समिति में 160 युवा और बुजुर्ग लोगों को निशुल्क ठंडा पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष विनोद तिवारी, जो कभी खुद 25 साल की उम्र में इससे जुड़े, आज 50 पार कर चुके हैं। उनमें सेवा की ऐसी भावना है कि अपने व्यापार से समय निकालकर यहाँ रात 2 बजे तक आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को पानी पिलाते हैं। हम लोग श्रीराम सेवा समिति के द्वारा ये विगत 25 वर्षों से ट्रेन के यात्रियों को निःशुल्क जल सेवा की जा रही है। इसमें सभी का सहयोग हमारे लिए रहता है और मिलता है, और करीब 150 सेवाधारी हमारे साथ हैं, जो हमारे पास 10 ट्रालियाँ हैं जो कि विंडो पर जाकर ट्रेन के यात्रियों को नीचे नहीं उतरने देते और उनको पानी देते हैं, और ठंडा पानी, मटके का पानी, ये सेवा हम लोग 25 वर्षों से करते आ रहे हैं। यहाँ सेवा करने वाले युवा कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो कोई व्यापारी, और कोई नौकरी पेशा है तो कोई रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम। ऐसे ही एक सेवादार राम सिंह, जो कि रेलवे में कर्मचारी थे, नौकरी पर रहते हुए श्री राम सेवा समिति के कामों को देखकर प्रेरित हुए और रिटायर होने के बाद अब अपना पूरा वक्त स्टेशन पर लोगों को पानी पिलाने में ही गुजारते हैं। मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, रिटायरमेंट होने के बाद मुझे यहाँ से इच्छा हुई कि यार अब सेवा करना शुरू कर दें। मैं 4-5 साल से सेवा कर रहा हूँ और अभी भी करता जा रहा हूँ, और जब तक मैं रहूंगा तब तक ही करता रहूंगा। लंबी यात्रा में सफर के दौरान खाली बॉटल और कुछ पल के लिए ही स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन में जब खिड़की पर ही यात्रियों को ठंडा पानी निःशुल्क मिलता है तो यकीनन उनके चेहरे भी खिल उठते हैं। बहुत इसके धन्यवाद कहेंगे कि पानी मतलब पिला रहा है, अच्छा इस यात्री को वो के लिए उसका बहुत भगवान भला करेगा। ये बहुत अच्छा काम है, एक तरह से लोगों को गर्मियों में पानी भी नहीं मिलता है और अभी स्टेशन पे कई जगह पे ऐसी शॉर्टेज हो जाती है, तो एक तरह से बहुत अच्छा प्रयास है। कहते हैं कि पानी से पतला कुछ भी नहीं होता, इसके बावजूद भी आज पानी की कीमत है 20 रुपए लीटर से लेकर ये सैकड़ों रुपए लीटर बॉटलों में मिलती है, लेकिन सागर की श्रीराम सेवा समिति दिन में 20 से 25 हजार लोगों की निस्वार्थ जल सेवा प्रदाय करके प्यास बुझाती है, जिसे देखकर लगता है कि आज भी मानवता, इंसानियत जिंदा है। बंसल न्यूज के लिए सागर से मनीष तिवारी।